साइकोलॉजी कहती है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में सूचनाओं या खबरों को तेजी से फैलाती हैं। साइकोलॉजी कहती है, पीरियड्स महिलाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। औरतें अक्सर अपनी जिंदगी के 4 साल पीरियड्स के दौरान गुजार देती हैं। साइकोलॉजी कहती है, एक अध्ययन के अनुसार जिन महिलाओं की लंबाई ज़्यादा होती है उनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। साइकोलॉजी कहती है, महिलाओं के पहनावे का प्रमुख अंग हील्स यानी ऊंची एड़ी के चप्पल या जूते का निर्माण दरअसल पुरुषों के लिए हुआ था। पुराने समय में हील्स पहनना मर्दाना गौरव माना जाता था। साइकोलॉजी कहती है, कुछ महिलाओं का जन्म 2 गर्भाशयों के साथ होता है। इस विशेष परिस्थिति को गर्भाशय डिडेल्फिस कहा जाता है। साइकोलॉजी कहती है, प्राचीन रोम में औरतें मेकअप करने के लिए अन्य प्राकृतिक साधनों के साथ योद्धाओं के पसीने तक का भी प्रयोग करती थीं। साइकोलॉजी कहती है, लड़कियां भी अकेले में या अपने नज़दीकी दोस्तों के साथ उसी प्रकार की बात करती हैं जिस प्रकार लड़के आपस में बात करते हैं। साइकोलॉजी कहती है, औरतों पर उनके नवजात शिशु की गंध ड्रग्स की तरह प्रभाव डालती है। इसी कारण महिलाएं अपने तुरंत जन्मे बच्चे से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाती हैं। साइकोलॉजी कहती है, महिलाओं की पलक झपकने की गति पुरुषों की तुलना में 2 गुनी होती है। औरतें 1 मिनट में 19 बार पलक झपकती हैं, वहीं पुरुष केवल 11 बार पलक झपकते हैं। साइकोलॉजी कहती है, महिलाओं का दिल पुरुषों की तुलना में ज़्यादा तेजी से धड़कता है। साइकोलॉजी कहती है, दुनिया भर में औरतों की औसत जीवन अवधि पुरुषों से ज़्यादा होती है। ऐसा उनके इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता के ज़्यादा मजबूत होने की वजह से होता है। साइकोलॉजी कहती है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है।